डबरा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में चालक सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सिविल अस्पताल में ग्वालियर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि झांसी से एक बुजुर्ग को इलाज कराने के लिए ग्वालियर लाया जा रहा था, जैसी दौरान अरु तिराहे के पास अज्ञात वाहन ने सामने से टक्कर मार दी। इससे मरीज सहित कई लोग घायल हो गए। मेरे पास चार लोग आए थे जो एक ही गांव के रहने वाले थे, झांसी के खड़िया गांव का रहने वाले थे। ये चारों लोग ग्वालियर में किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे। आपस में बुलेरो बस से एक्सीडेंट हुआ। सरकारी हॉस्पिटल में चार लोग आए, चारों लोगों को चोटें लगी। इसमें दो लोग गंभीर हैं और दो लोगों की हाथ की हड्डियाँ टूटी हुई हैं और एक जो है जो सिर में चोट है और एक छाती में चोट है। ये दो जो लोग हैं जो गंभीर हैं, हालांकि दोनों लोगों को ग्वालियर रेफर कर दिया है।